हेलो क्लास एट, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। क्लास एट का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, और हमने सेलेक्ट किया एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है पहले सुन लेते हैं, फिर मैं क्या कहूँगा वो बाद में सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटी का यूज करके। अब आइडेंटिटी क्या होता है ये मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, तो आइडेंटिटी का यूज करके क्या करना है, इवेलुएट करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, किसका, जो दिया हुआ है उसका। अब देखो 71 का स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू निकालना है आइडेंटिटी का यूज करके। एक तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि 71 into 71, लेकिन वैसे तो बेवकूफ लोग निकालते हैं, हम लोग समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो भाई कौन सा आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करना बहुत आसान है, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, कुछ भी, जहाँ पे जीरो होता है ना हम लोग बहुत आसानी से स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि ये जीरो आ जाए। तो दिमाग में एक बात आया कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, लाइफ में अच्छा ही करना चाहिए, बुरा तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि 70+1 कर लेते हैं। ऐसा करने से किसी का बुरा नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, ना अपना बुरा कर रहे हैं ना क्वेश्चन का बुरा हो रहा है। तो क्योंकि 70+1 71 ही होता है, लेकिन जैसे ही हमने ये काम किया, बस आइडेंटिटी ने कहा कि भाई हेलो मेरा यूज करो, कौन सा, a+b का स्क्वायर का यूज करो, मतलब ये a और ये b और ये स्क्वायर, तो a+b का स्क्वायर का यूज कर लेते हैं इसको। तो हम कहेंगे बेटा a के जगह पे 70 है और b के जगह पे 1 है, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 70 का स्क्वायर प्लस 2, पॉइंट नहीं है भाई ये, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई दे ही देता हूँ, चलो 2, a के जगह पे 70 और b के जगह पे 1 है, प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। ऑलराइट, अब मैंने कहा था कि जीरो वाले का स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा। जीरो जितना भी हो ना स्क्वायर करने पे वो 2 गुना हो जाता है, और 7 का स्क्वायर 49 डबल जीरो। फिर इसको मल्टीप्लाई करना 7 गुना 2, मतलब 140। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ होने वाला नहीं है, एंड ये 1 तो हमारा रह गया। अब क्या होने वाला है देख लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो भाई मेरे पास 1 आ जाएगा यहां से, और 4 सही है, और 9 1 10 0 5, ये देखो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे मेरे क्वेश्चन रखा हुआ है, 99 का स्क्वायर है। ऑलराइट, 99 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या करना चाहिए, तुमको पता चल गया होगा कि यहां पे जीरो लाने के लिए 90+9 कर देते हैं। लेकिन क्यों करेंगे 90+9, हमारे पास में एक और ऑप्शन है 100-1 करने का। तो हमने क्या कहा कि 100-1, और 100-1 ही तो 99 होता है, और 99 का स्क्वायर है, तुमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही मैंने इधर से ये काम किया, बस आइडेंटिटी ने इसको देख लिया, कहा कि भाई अब तुम मेरा यूज कर दे, कौन सा, a-b का स्क्वायर वाला। तो ये a-b का स्क्वायर है, तो क्या होगा, a² - 2, a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 1 है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10,000, आसान है, 200+1। अब इसको तुम एक पहले इसको घटा लो, 9800 + 1, 9800 1, ये आंसर हो गया, बहुत आसान आंसर था भाई। इसके बाद कौन सा है, 102 का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन सारे ना बहुत आसान है, क्लास एट में दम कहाँ है यार, तुम सही से पढ़ नहीं रहे हो तो इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, जबकि क्लास एट बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं मतलब ये नहीं कि मुझे आता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर, आई एम टेलिंग यू एज ए स्टूडेंट, कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो भी मुझे क्लास एट आसान लग रहा होता। ठीक है, सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ सही तरीके से पढ़ाने के लिए। बस तुमको फॉलो करना है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ, जो कुछ मैं समझा रहा हूँ वो सब फॉलो करना है। ठीक है, देखना सारे क्लास एट के सारे वीडियोस को देखना है, अगर तुम सारे वीडियो को देख लेते हो ना तो क्लास एट का हर एक कंसेप्ट तुम्हारे ब्रेन में होगा, टोटल कुछ ही भूलोगे नहीं। लेकिन बच्चे को लगता है कि यार पढ़ना कौन चाहता है, चलो खेलते हैं, गेम खेल लेते हैं, यार तब तो तुमको डिफिकल्ट लगेगा ही। चलो यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम 100+2 और हमने इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, क्यों किया, क्योंकि मेरे को जीरो चाहिए था। अब जैसे हमने ये काम किया, बस इसने देख लिया
किसने, ए प्लस बी के स्क्वायर ने, कहा कि मेरा यूज़ कर लो और मुझे पता है कि तुम इसका यूज़ करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है, तुमको आ जाएगा। कितना होगा ऐसे बताता हूँ मैं, भाई ये 10,000 और 400 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 10,404, 10,404, ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है, 10,000 और 400, ठीक है, सही आंसर, सही, ठीक है। तुम भी ऐसे निकाल सकते हो यार, कोई मैं ऐसा नहीं जो कोई जादूगर हूँ, मैंने ऐसे काम कर लिया, सिंपल सा कैलकुलेशन है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ये सेम क्वेश्चन था, 98 का स्क्वायर है, नहीं नहीं 9998, ठीक है, कितने का भी स्क्वायर है, 998 का स्क्वायर है। तो भाई इसमें हम डरे क्यों, क्यों डरे, हमने कुछ गलत किया है, मेरे को क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 998 ही आने वाला है। जैसे ही ये काम हुआ, बस सीधा टावर कहाँ पकड़ लिया, वहाँ पे सिग्नल, और पता चला कि वो ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मेट ले गया, पे ए माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ए का स्क्वायर, ए कितना है 1000, ए स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है और बी कितना है 2, प्लस बी स्क्वायर, तो बी 2 है, 2 का स्क्वायर, ये ए था ये बी था, ठीक है। अब देखो एक और 3 जीरो है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, मैंने कहा था स्क्वायर में जीरो को डबल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 कर देंगे जीरो, और ये 2 2 4 और ये 1000, तो 4000 प्लस 1, अभी कितना है भाई, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख है, उसमें से 4000 घटाना है तुमको, तो घटा लो यार, तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ यहाँ पे लिख के, तुम जोड़ लेना, इसको काम कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, मैंने टाइम को कंज्यूम कम करने के लिए ऐसा काम किया। इसके बाद है कौन है भाई, 5.2 का स्क्वायर, ऑलराइट कोई बात नहीं है, 5.2 का, ये पॉइंट वाला मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे पॉइंट को देख के डर जाते हैं, पॉइंट को, फ्रैक्शन को, लगता है कि अरे यार ये क्या आ गया, कमाल बात है यार। देखो इसको क्या करें, क्या करें बताओ, इसको मैं ऐसा करते हैं कि 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, तुम इसका आंसर निकाल लेना, ऑलराइट, यहाँ पे आंसर निकाल के मेरे को बताना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया हमने, 5.2 का मतलब क्या होता है, 5 प्लस 0.2, ये 0.2 अलग होगा 0.2। अभी क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉइंट ऑलरेडी है, और बी का मतलब 0.2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को 0.2 से, तो 1 हो जाएगा, 2 ही होगा ये, तो मल्टीप्लाई कर लेना, आता होगा तुमको ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, देखो 2 का स्क्वायर 4, डेसिमल प्लेस डबल हो जाएगा, कितना प्लेस डेसिमल का, एक ही प्लेस है तो 2 प्लेस होना चाहिए, लेकिन 4 ही है, मतलब एक ही प्लेस है, तो हमने एक जीरो लगा दिया और हमने ये काम कर लिया, ठीक है, 0.04.2 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, आसान है, 25 तो 27.04, ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मैं मिटा देता हूँ बोर्ड को, ठीक है, तब तक तुम वेट कर लो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर, आसान क्वेश्चन ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, 297 303, 297 303। अब यहाँ पे स्क्वायर वगैरह तो बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ तो अच्छा होने वाला है यहाँ पे। क्या देखो, मैं क्या कहता हूँ कि एक काम करते हैं, 297 है, 297, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 3, 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि घटेगा 300 इतना ही आएगा, और ये 303 है, बी से मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 3। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ तुम,
कि ये क्या कुछ तुमको दिखाई पड़ रहा है? तुम्हारा टावर पकड़ा कहीं पे? नहीं पकड़ा, मैं पकड़ाता हूँ। मैंने यहाँ देखा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ठीक है? वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है, ए माइनस बी यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो फर्क उससे नहीं पड़ता। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये ए, ये बी प्लस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब 300 का स्क्वायर कितना होता है भाई, इतना होता है 90,000। कैसे 300, ठीक है, 3 का 9, 00 का 40, और 3 का स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते, 90,000 है तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, 89,000। उसमें से भी ये घटेगा तो क्या यार, 19, यस सही, 90,000 है ना, ये लो, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, 89,991 इज आवर आंसर, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम। सिक्स के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास में, 7882। मैं हिंट दे देता हूँ, 7882। अभी क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे देखो, अभी 78 को क्या लिखते हैं, 80 माइनस 2। अब तुमको लग रहा है कि ये मैं कैसे सोच लेता हूँ, मेरे को दिमाग लगाना है भाई, कि ऐसा काम करना है कि 0 आ जाए दोनों में। तो यहाँ पे 80 प्लस 2 करेंगे तो क्या ये 80 माइनस 2 हो सकता है? यस हो सकता है, तुमने कर दिया। और 82 क्या लिखेंगे, 80 प्लस 2। तुम्हारा टावर पकड़ लिया होगा कि अब ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर तुम निकालना कैलकुलेटर के, तुम्हारा काम है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.9 का स्क्वायर है, कितना था, 8.9, 8.9 का स्क्वायर। अब क्या करें कि 0 आ जाए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि ये 9 से ना थोड़ा सा कम है, कितना कम है, 0. देखो 9 में से हम अगर घटा लेते हैं 0.1, मतलब 9 से ये क्या है 8.9, मतलब 9 से 0.1 कम है, तो हमने 9 में क्या किया, 0.1 घटा लिया। अब यहां से तुम्हारा टावर फिर से पकड़ लिया होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये पॉइंट वाला है, मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर 9 है, बी के जगह पर 0.1 है, तो माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, मतलब 0.1 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 18, ठीक है, और 1 है तो 1 ही रहेगा, 18, और यहाँ 0.1 है तो एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना आसान है, 9 2 18, और एक पॉइंट चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही रहने वाला है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, 0.1 का स्क्वायर करना है, ऑल राइट। तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डेसिमल प्लेस डबल हो जाए, हो गया डबल। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा तुमको, ऐड कर लेना 80, कमाल है यार। देखो पहले इसका काम कर लेते हैं हम, 81, और इसको ऐड कर लेते हैं 0.01 माइनस 1.8। अब तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसको, तो कर लो, आसान है, कर लो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक 0 डाल देना, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लेना तुम, ये तुमको आता है, कर लो, बहादुर हो तुम, इंटेलिजेंट। 1.059.5, 1.05 को मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, ये थोड़ा सा लेकिन अलग लग रहा है यार ना, ये 10.5 होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन में ना गलत है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बनेगा ही नहीं, ये गलत है, यहाँ पे 10.5 होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में 10.5 होना चाहिए, बुक में सही कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 10 प्लस 0.5, क्योंकि ये 10.5 है, और मैं इसको लिखता हूँ 10 माइनस 0.5, क्यों, क्योंकि 9.5 है, 10 से 0.5 कम है, तो हमने ये काम कर लिया,
अब ये a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 होता है और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का 25 और डेसिमल प्लेस एक है तो 2 प्लेस हमने यहाँ पर डाल दिया, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 99.75। ये आंसर तुम सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये आंसर आएगा, ठीक है। और लेट यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7-8 भी बचा हुआ है अभी, वो भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने फिर से कहना है तुमको कि क्लास 8 में हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भटकना छोड़ दो यार, ठीक है। अपने पास सारा कंटेंट लगभग अवेलेबल हो जाएगा, जो नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है वीडियो बनाने में, तो ऑन टाइम जब समय आएगा सारे चैप्टर्स पढ़ने का, अब एक ही दिन में सारा चैप्टर मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा समय लगता है वक्त बनाने में, लेकिन सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, इतना मैं तुमको एज्योर कर रहा हूँ। तो देखो वीडियोस को, एंजॉय करो, क्योंकि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट पॉसिबल है, ठीक है, उतना अच्छा कंटेंट मैं तुमको देना चाहता हूँ और मैं दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बताना कमेंट करके कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, क्योंकि चैनल तुम्हारा है।